गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आजकल ब्लॉग नहीं बना रहा, भाई साहब थोड़ा बिजी हूँ, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, बस इन्हीं कामों में बिजी हूँ, आप समझ ही गए होंगे। वैसे आज दिवाली है और अब भाई तुम्हारा हो गया फ्री, आपके लिए डेली एक नया ब्लॉग लेके आएगा। तो चलिए, आज जैसे कि दिवाली है तो देखते हैं दिवाली पे आज क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आज दीपावली है और दिवाली के अवसर पर हर कोई पटाखे जलाता है, लेकिन भाई तुम्हारा पटाखे पटुखे नहीं जलाता। बाकी मेरा एक दोस्त है, उसने पटाखे लगाए हुए हैं, मेरे को बोल रहा है भाई साहब पटाखे लगाने हैं तो चलो मेरे साथ पटाखे लगा लो, दिहाड़ी ले लेना। तो मैंने सोचा चलो यार आज के दिन पटाखे लगा लेते हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ उसके साथ पटाखे लाने। तो दोस्तों फाइनली हम निकल रहे हैं, अभी वहाँ पे हीरानगर मोड़ पे जाके अभी पटाखे लगाएंगे। हमारा ड्राइवर साहब जो है अभी रेडी है, तो चलिए सीधा अभी मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने पटाखे लगाने हैं। फाइनली दोस्तों, इस वक्त मैं अपने हीरानगर मोड़ पे हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे फाइनली जो है ये तैयारियाँ चल रही है, जहाँ पे हमारे लगेंगे टेबल और साथ ही हम अभी इसको पूरा तैयार करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है यहाँ पे जो है हम पटाखे रखेंगे, पहले इसको तैयार कर लेते हैं, फिर आपको जहाँ के विजुअल जो है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप ये सब देख सकते हो, यहाँ पे पटाखे लगाए जा रहे हैं। भाई साहब कमेंट करो, उसमें ये मत कमेंट करना कि भाई पटाखे जलाना सही नहीं है, पटाखों से प्रदूषण होता है। भाई मैं तो नहीं उठाता, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ अभी अगर वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो यार, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। बाकी हमारे हीरानगर मोड़ का सिनेरियो आप देख सकते हो। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ हीरानगर मोड़ पे, आप इस तरह रौनक जो है देख सकते हैं मेरे पीछे, इस तरह का सिनेरियो देखे, फूल शूल लगाए हुए, दुकानें काफी सजाई हुई हैं और साथ में ये ऑटो वाले यहाँ पे केले बेच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज दिवाली है, दीपावली के अवसर पर हमारे देश में जगह जगह पे दिवाली को धूमधाम से मनाया जाता है, और आज मेरे यहाँ पे भी भाई काफी धूमधाम से जो है दिवाली को मनाया जा रहा है। बाकी आप यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हैं, लोगों ने पटाखे लगाए हुए हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमने जो है पटाखे लगा लिए है, दुकान अपनी पूरी तैयार कर दी है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ। तो फाइनली दोस्तों जो है हमने अपनी दुकान जो है पूरी रेडी कर ली है, अभी सिर्फ सामान बेचना है, बाकी रेट शेट सब लगा दिया है। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कुर्सी लाने का याद ही भूल गई, अभी आपके भाई को भूख भी लग चुकी है, तो भाई आपका अभी खाना भी खाएगा। फिलहाल अभी दूसरा जो हमारा साथी था वो खाना खाने गया है, वो खाना खा के आएगा, फिर उसके बाद मैं वापस घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। और शाम को काफी ज्यादा योगा भीड़ा हो या भीड़ बढ़ती है यहाँ पे, क्योंकि अभी कोई पटाखा बिकेगा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह लोग इतने घर से बाहर निकलते हुए नहीं, बाकी जैसे ही शाम होती है तो भीड़ लग जाती है। शाम को हम पटाखे बेचेंगे, चाहे शाम को 7, 8, 9, 10 के बीच हम जो है घर से। हमारे यहाँ पे दुकान पे बसु घुस गया था, चलो चलो बसु जी, बसु नठो, बसु घुस गया था भाई। तो भाई साहब हमारी दुकान पे जो है अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन अगर बात करूँ ठेके की तो ठेके पे काफी ज्यादा भीड़ है। अब मेरे पीछे वो देख सकते हो, वो सामने ठेके में जो है लाइनें लग चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक कोई ग्राहक ही नहीं है भाई, वहाँ क्या बात। तो दोस्तों इस वक्त दोपहर का टाइम हो चुका है, भूख काफी ज्यादा लगी हुई है, और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो है क्रैकर जो है अभी बिक रहे हैं, काफी ज्यादा जो बिक चुके हैं, अभी हमें थोड़ा लग रहा है कि शाम तक अच्छी खासी जो है हमारी सेल हो जाएगी। बाकी अभी मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि हमारा जो साथी था वो आ चुका है, तो फिर चलते हैं घर और खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं इस वक्त घर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे भूख जो है काफी ज्यादा लगी हुई थी। तो भाई साहब जो है अभी हम खाना वाना खाऊंगा, नहाऊंगा पहले, फिर खाना वाना खाऊंगा, फिर जाऊंगा वापस से
मैं जो है पटाखे की सेल करने, और बाकी ना तो आपका भाई पटाखे उठाता है और ना ही कुछ एंजॉय करता है। हमारी दिवाली जैसे ही कल का दिन था वैसे ही आज का दिन। खैर आप सब करो एंजॉय दिवाली, मैं खाना खाने वाला हूँ अब खाना, फिर मिलूंगा सीधा आपको वहीं पे जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अपनी दिहाड़ी। तो दोस्तों जी हमारे गांव का शिल्लू, हाँ भाई शिल्लू ये देखिए भाग रहा है, ये हमारे गांव का शिल्लू। फिलहाल मैंने खाना वाना खा लिया, अभी मैं जा रहा हूँ भाई फिर से उसी जगह पे। हाँ भाई हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली भाई, ये रास्ते में मेरे दोस्त मिले हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको। क्या है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई। दोस्तों हम अभी प्लम्बर की दुकान पे गए हुए थे, क्योंकि आप सभी जानते हो मैं जो सेंटर बिल्डिंग का काम करता हूँ, तो उसी के चलते दीपावली पे वो जो है गिफ्ट देते हैं, वही गिफ्ट देने के हम गए थे, जो ही है गिफ्ट अभी हमें मिला है। बाकी हम जा रहे हैं सीधा दुकान पे, मिलते हैं आपको सीधा यहाँ पे, हम लगाए हुए हैं अपने पटाखे। दोस्तों मैं वहाँ पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे हमने दुकान लगाई, और काफी ज्यादा जो है भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ग्राहक काफी आ रहे हैं। अभी मैं काम शाम करके फिर आपसे बात करूंगा। दोस्तों ये हमारे एक और नए ग्राहक, सर क्या क्या लिया आपने? पटाखे, अभी इसकी जो भाई की नई नई शादी हुई है, मुबारका दिवाली दी भैया इसको, दिवाली की हार्दिक मुबारक है, और इसकी जो है धर्म पत्नी असनवाली देवी उसको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी बंदे की जो शादी हुई है खुश बहुत है, देखिए इसके चेहरे की रौनक ही बता रही है कि ये काफी ज्यादा खुशी है शादी से। बाकी अभी मैं पटाखे की जो है सेलिंग करूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और भाई हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे रश पड़ा हुआ आप देख सकते हो, काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है कि टाइम नहीं लग रहा। मैं फिलहाल लास्ट में मिलूंगा ब्लॉग में। बाकी एंकर जी देखो जहाँ पे बैठे हुए, एंकर जी हैप्पी दिवाली, एंकर जी हैप्पी दिवाली, गंडे जी का एंकलोर है नी। हाँ जी काम का इतना प्रेशर था कि लोग काफी ज्यादा संख्या में जो है इस वक्त आ रहे थे दुकान पे, और जो है हमारे सारे के सारे जो क्रैकर जो है बिक गए। अभी रात का समय हो गया, रात के बज चुके हैं 8, तो मैं जा रहा हूँ अभी घर। बाकी मैं घर जाके बात करता हूँ आपसे क्या कुछ जो है आज यहाँ पे हुआ। दोस्तों इस वक्त मैं निकल गया हूँ घर को जाने के लिए, और जो है हमारी बाइक जो है स्टार्ट भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या चक्कर बन गया इसको। अभी हम गियर में स्टार्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो नहीं रहा। बाकी आप देख सकते हो मेला उजड़ चुका है, रौनक खत्म, अब लोग घर जाके दिवाली मना रहे हैं और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। बाकी आप जहाँ पे सारा ये सिनेरियो देख सकते हो पूरा खत्म। बाकी होता है यार देखिए है, बीच में अभी लगे हुए हैं जैसे आप सामने देख रहे हो, लेकिन लेडीज ने जो है दुकान खोली हुई है, और बाकी मेले उजड़ गए। बाकी मैं भी चला कर घर जाके आपसे बात करूंगा, बाकी देखते हैं घर पे क्या बनाया है। जैसे ही हमने मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरी दिवाली वो ही है जैसा कल का दिन था वैसा ही आज का दिन, हमारी कोई स्पेशली दिन नहीं होता। बाकी घर जाके बात करता हूँ। तो दोस्तों जो है अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है मैं इस वक्त घर पे आ चुका हूँ, सभी सामान समून सेट किया, और उसके बाद अभी आपका भाई जो है यहाँ पे घर पे आके बैठा हुआ है। फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं, और आप देख सकते हो काफी ज्यादा रौनक है, घर वालों ने दीपक जलाए हुए हैं और सारे गुब्बारे को उड़ाया जा रहा है। उड़ा उड़ा छोड़ा इतनी, कहां तक जाएगा ये पटाखा? हां गुल्लू ओए कहां तक जा सकता है ये गुब्बारा? ऊपर तक जा सकता है। कहां तक? भाई साहब हमने एक गुब्बारा उड़ाया है ये देखिए।
लोग जो है काफी खुश है, दिवाली को धूमधाम से मना रहे हैं और काफी ज्यादा धमाकों की आवाज आ रही है। खैर दिवाली के इस अवसर पे आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं ब्लॉग को करूंगा एडिट शीट, उसके बाद बस कोई 15-20 मिनट में ब्लॉग जो है आपके पास। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर कर देना।